क्लास, सेवेंथ क्लास, आप सब ठीक है ना? रिवीजन कर रहे हैं, आपके टेस्ट होंगे, आपको पता है आपके एग्जाम्स हैं इलेवेंथ से, इलेवन टू फिफ्टीन आपके एग्जाम हैं, चैप्टर नंबर टेन और इलेवन आपका एग्जाम ही आएगा। तो चैप्टर टेन की आज हम रिवीजन करते हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन बेटा, रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच an organism take oxygen O2 and gives out breathe out carbon dioxide CO2 is called respiration। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है बेटा। जरा देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। ब्रीथ आउट रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, और सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो इस प्रोसेस को बोलाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज the respiration in which oxygen is taken in and carbon dioxide is removed, but anaerobic respiration oxygen is not, is break down, food also break down without the help of oxygen। anaerobic respiration में oxygen की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस process को बोला जाता है anaerobic respiration। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की विदाउट ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दे रेस्पायर एनारोबिकली। ईस्ट जो है ये क्या है आपका, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है ईस्ट, और एनारोबिकली रेस्पायर करता है। हम जो रेस्पायर करते हैं वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यीस्ट जो रेस्पायर करता है एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी को बनाता है ये। ओके, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ये प्रोसेस है इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन। एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल एंड एक्सेल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। द रेट ऑफ पर
द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। जब एक समय में कितनी बार सांस लिया जाता है, एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट आप अपने यहाँ से नर्व्स पकड़ कर देखिए कि कितनी बार होती है ये, तो इसको ब्रीथिंग रेट हम बोलते हैं बेटा। ओके, ब्रीथिंग रेट। और एक एक्टिविटी बताइए कि आप अपना नाक बंद करके देखिए कि कितनी देर तक नहीं हम बिना सांस लिए बिना नहीं जी सकते हैं बेटा, हमें जीने के लिए सांस लेना पड़ता है। तो एयर हमें बहुत ज़रूरी है, और कौन सी एयर? ऑक्सीजन एयर हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे भी ब्रीथ करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके एग्ज़ाम में आना है चैप्टर, तो आप इसकी रिविजन अच्छी से होनी चाहिए आपकी। आप नेसल कैविटी से एयर को अंदर ले जाते हैं, और चेस्ट कैविटी में जब ये आ जाता है लंग्स के थ्रू, चेस्ट कैविटी में आपका ये आता है, और डायफ्राम में जब एयर आती है तो फूल जाता है। जब डायफ्राम में से एयर बाहर लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो वो वापस उसी पोजिशन में आपकी चेस्ट आ जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ, नेसल कैविटी, लंग्स, चेस्ट कैविटी के थ्रू आप ब्रीथ करते हैं। ये देखिए बेटा, आपका डायग्राम है ना बुक में, ये नसल कैविटी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, मुंह पे आपकी ये नसल कैविटी है, बकल कैविटी है, ये इसोफेगस है, इसके थ्रू आपकी एयर आती है, फिर आपका ये क्या है, ये फेरिंग्स है, और इसमें ये आपके ये क्या है, लंग्स हैं और रिब्स हैं। तो इस तरीके से एयर यहाँ पे आती है और फिर वापस बाहर जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई गैस वापस आ जाती है जब बॉडी में से, तो ये सारी वापस बाहर आ जाती है। इस तरीके से प्रोसेस होती रहती है। जब आप ज़्यादातर एयर को अंदर लेते हो तो आपका ये देखिए डायफ्राम मूव्स डाउन, आप एयर जब अंदर लेते हो तो डायफ्राम मूव्स, देखिए एयर को जब अंदर लेंगे तो डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, और जब बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम मूव्स बैक मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती रहती हैं। मैंने आपको एक बेटा ये बताया था, ये आप बनाने की कोशिश आपने किसी ने भी करी है, आपके इसके मार्क्स लगेंगे बच्चा, जो बच्चा बनाएगा उसके अच्छे से मैं मार्क्स लगाऊंगी। ये वाली एक्टिविटी, लंग्स की एक्टिविटी मैंने बनाने के लिए आपको बोला था ये डायग्राम। ठीक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, और हम ब्रीथ आउट क्या चीज़ करते हैं। ब्रीथ इन तो हमने बताया आपको कि हम ब्रीथ इन तो ऑक्सीजन करते हैं, और ब्रीथ आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक है, ब्रीथ इन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल और एक्सहेल्ड, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, आप जब इनहेल्ड एयर करते हैं, एयर को अंदर ले जाते हैं, कितने परसेंट ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, 2.21% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन जाती है, एक्सहेल्ड जब हम करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है वो कितनी होती है, 0.04%, या 4.1% के दौरान जो होती है 4.4%। ओके, तो बेटा हम तो इस बकल के नसल कैविटी के थ्रू तो हम सांस लेते हैं, लेकिन सभी के पास नसल कैविटी से नहीं ब्रीथ आउट करते हैं, सबका अलग अलग है। कॉकरेचेस में क्या पाए जाते हैं, स्पिरिकल्स पाए जाते हैं, या ट्रेकियास पाए जाते हैं, स्पिरिकल और ट्रेकियास, इसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। अदरवाइज वो ब्रीथ करने की प्रोसेस डिफर होती है सभी की। अर्थवर्म जो है बच्चे, ठीक है, अर्थवर्म स्किन से करते हैं, ध्यान रखिए। कॉकरोचेस जो हैं वो रिस्पायर करते हैं अपने ट्रेकियास, स्फेरिकल्स, कॉकरोचेस, ट्रेकियास और स्फेरिकल्स, राइट डाउन। कॉकरोच नंबर एक, ह्यूमन जो है उसके पास ब्रीथिंग करने की प्रोसेस लंग्स। नंबर टू,
कॉकरोचेस। कॉकरोचेस जो ब्रीथ करते हैं वो किससे करते हैं? स्फेरिकल। नंबर थ्री अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसके थ्रू करते हैं ब्रीथ? स्किन। फिश गिल्स। राइट डाउन द डॉग। तो अर्थवर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं कहाँ से? स्किन से। कॉकरोचेस स्फेरिकल्स पाए जाते हैं उससे ब्रीथ करते हैं। छोटे छोटे पाइप्स होते हैं कॉकरोचेस में, स्फेरिकल्स जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू सांस लेते हैं। अर्थवर्म स्किन से, और फिश है जो उसके पास क्या होती हैं? गिल्स होती हैं, उसके थ्रू वो सांस लेते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इसके अलावा इसको नोट डाउन कीजिए बेटा पहले अच्छे से, फिर करेंगे नेक्स्ट प्लांट्स के लिए भी। ये हिंदी की बात थी। लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, कॉकरोच स्फेरिकल के थ्रू, अर्थवर्म स्किन से, फिश गिल से। ओके बच्चे, तो इस तरीके से रिस्पायर करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म। सबके अलग अलग रिस्पायर करने के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन अब प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं बेटा? स्टोमेटा पाया जाता है। प्लांट्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा, जो सांस लेते हैं। नीचे से रूट भी ऑब्जर्व करती हैं बेटा एयर प्लांट। जो सॉयल होती है, सॉयल में छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन मिट्टियों में बेटा ये हमें दिखाई नहीं देते। जब मिट्टी आपस में ऐसे होती है तो उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, तो उसमें एयर प्रेजेंट होती है। वो रूट के थ्रू भी रिस्पायर कर लेते हैं प्लांट, लेकिन मेन उनका प्रोसेस जो है रिस्पायर करने का वो कहाँ से करते हैं? का उसमें प्लांट्स के पत्तों में क्या होता है? वहाँ से करते हैं, पत्तों से, वो स्टोमेटा उसके थ्रू रिस्पायर करते हैं। ओके, पौधे क्या करते हैं? हमारा ऑपोजिशन पौधे में पाया जाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रोसेस रात को चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, रात को ये प्रोसेस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कुछ प्लांट्स में ऑक्सीजन ये भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे पीपल प्लांट है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रोसेस हमारी तरह सेम हो जाती है रात को। तो इसलिए बोला जाता है ना, पहले लोग जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे वो बोलते थे प्लांट्स के नीचे मत सो, पीपल के पास रात को मत जाओ। वो ये रीज़न उसका ये ही था कि वो जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे हमेशा क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन रात को ही इनकी प्रोसेस चेंज होती है पीपल प्लांट में, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए रात को। इसके नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें जब हम लेंगे वापस तो हमें नुकसान पहुंचता है। इसलिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके नीचे रात को नहीं जाना चाहिए। ओके बेटा, तो इसी चैप्टर के साथ ही हमारी ये रिविजन ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर की 10 की आपके एग्ज़ाम में आएगा ये चैप्टर, तो आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन के क्वेश्चन वगैरह आपके मैंने आपको भेज दिए हैं पीडीएफ। आपने पीडीएफ में से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, आई थिंक सो। सो आप नहीं करे होंगे तो आपने करने हैं इसको, और इसको लर्न करना है। ओके बेटा, सो डू वर्क नीट क्लीन, मेक नोटबुक्स नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से अपना काम करते चले जाएं।
अपना काम कीजिए अच्छे से बेटा, आपका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं मेरे को सबमिट करा के गए हैं कोई भी, अभी सैटरडे को मैंने नोटबुक आपकी चेक करनी है। और मैंने एक इससे रिलेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा एक डायग्राम तो देखा जाए, लेकिन मैंने एक मॉडल बनवाने के लिए बोला था, बच्चों को मॉडल बनाया बनाने के लिए बोला था, वो मॉडल मेरे को नहीं मिला है, तो मेरे को जिस बच्चे का मिलेगा उसके मैं अच्छे से मार्क्स लगाऊंगी। सो बेटा बी केयरफुल, स्टे एट होम, ओके बच्चा, टेक केयर, डू वर्क नीट एंड क्लीन, मेक ऑल द नोटबुक्स, नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट बट सभी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स आपको प्रिपेयरली करनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स आपके कब से कब तक हैं बेटा, 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक। लेकिन जो बेटा आज आपके पास कुछ आया है वो आपका देखना, अच्छे से रीड करना, ठीक है, सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए, हर बच्चे का नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके बेटा, टेक केयर, बी स्टे एट होम, ओके बाय ऑल ऑफ यू।